Hello, my dear students. Today we will discuss about the preparation of alcohols from carbonyl compounds. So first you should know which compounds are called carbonyl compounds. So first make a heading, the preparation of alcohols from carbonyl compounds. Preparation ऑफ alcohols, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है तो हम इसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, तो सिर्फ हेडिंग ही लगाइएगा, प्रिपरेशन ऑफ alcohols फ्रॉम कार्बोनिल compounds. तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कार्बोनिल compound किसको बोला जाता है. यू नो वेरी वेल, so the compound containing carbon double bond oxygen, the compound containing carbon double bond oxygen, इसको हम बोलते हैं carbonyl compounds. ठीक है, कौन कौन से compound, कौन कौन से group इसमें आते हैं. एक्स फॉर एग्जाम्पल aldehyde, चार ग्रुप जो है मेन हमें वो देखने हैं. एक तो आता है aldehyde, C डबल बॉन्ड OH. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी aldehyde से हम अल्कोहल बना सकते हैं. दूसरा होता है कीटोन, कीटोन बोले तो C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ अल्काइल और एराइल ग्रुप. ठीक है, थर्ड वन है कार्बोक्सिलिक एसिड. देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थर्ड वन है, जगह है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. यहाँ पे ओ एच तो है ही, लेकिन ये अल्कोहल नहीं है, ये एसिडिक ओ एच, ऑक्सो एसिड वाला ओ एच. ये हाइड्रोजन ओ एच ग्रुप अल्कोहल का नहीं है, ये एसिड का ओ एच है. और यहाँ पे या तो आर ए आर कुछ लगा होता है. ठीक है, तो कितने कंपाउंड हुए, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एक रह जाता है वो एस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश. ये जो ग्रुप है ना वो एस्टर ग्रुप है. तो कार्बोनिल कंपाउंड की जो फैमिली है उसमें चार कंपाउंड्स इंक्लूड हो रहे हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स. एंड दीज ऑल कंपाउंड्स इन डिटेल वी हैव टू स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन पार्ट टू. ये पहला पार्ट है अल्कोहल फिनोल ईथर जिसमें ऑक्सीजन है, और दूसरा पार्ट आएगा जिसमें कार्बोनिल कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे aldehydes, ketones, carboxylic acids एंड esters. ये carboxylic acids है, ये ester है, आप ये सब लिख लीजिएगा. तो इतने इसमें शामिल हो रहे हैं. ये जो है ये इसको, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये कीटोन नहीं है, कार्बोनिल कार्बन है. कार्बोनिल कार्बन और कीटोन का यहाँ पे आर आर लगा दीजिए, आर यहाँ पे आर आर डैश. तो ये जो हुआ वो अल्डिहाइड हुआ, अल्डिहाइड लिख लीजिए, बाद में हम क्वेश्चन लिखते हैं. ये जो है वो कीटोन है, कीटोन. इसमें से भी हम बनाएंगे कुछ मेथड. ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वो लिख लीजिए, जगह नहीं यहाँ पे. और ये जो है वो एस्टर है, एस्टर, एस्टर्स. ठीक है, उसमें से हम बनाएंगे. ठीक है, चलिए मैं इसको ओके कर रहा हूँ. लिख लिया आपने, लिख लीजिए. ठीक है, चलिए लेट अस डिस्कस क्वेश्चन वन बाय वन. सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, गिव प्रिपरेशन ऑफ alcohols फ्रॉम aldehydes एंड ketones. किसमें से बनाएंगे हम लोग, aldehydes एंड ketones. सेकंड पार्ट में बनाएंगे carboxylic acids एंड esters. अगर मैं क्वेश्चन ऐसा लिखा था कि आपको लिखा था कि प्रिपेयर, सॉरी गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alcohols फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन्स, तो उसमें
फोर फैमिलीज आते हैं और क्वेश्चन लंबा हो जाता है। इसको हम फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, दो में डिवाइड करेंगे। पहले लेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर टेक्स्ट बुक, फर्स्ट लेट अस प्रिपेयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय कैटालिटिक रिडक्शन। ग्रिगनार्ड रिएक्शन पे हम बाद में आएंगे, पहले हम लोग करेंगे कैटालिटिक रिडक्शन। ये देखिए, ये पहली मेथड लिखना अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक, ठीक है। चलिए, तो ये दो है उसको वन नंबर दे दीजिए, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मैं जो बोलता हूँ वो ध्यान से सुनिए, आपका अगर आपको मैकेनिज्म में बिल्कुल पता नहीं चलता है तो भी ये आराम से आप कर सकते हो। इन दिस टाइप ऑफ रिडक्शंस माई फ्रेंड, सिंपली कार्बोनिल कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन, इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। कितने आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, या तो आप पहला ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विथ वाटर फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस, इसको शॉर्ट में LAH भी लिखा जाता है, ये लिखा LAH, लेकिन आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। सेकंड रिएजेंट है, कोई एक आपको यूज करना है। पहले मैं आपको आपको एक मेथड दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है इस रिएक्शन में, रट्टा नहीं लगाना है, समझ के करना है, ठीक है। दूसरा आप यूज कर सकते हो NaBH4, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है माय फ्रेंड्स, ऑल दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विथ वाटर, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे LAH, देन NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और तीसरा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बाय फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज प्लेटिनम पैलेडियम, जो हम 11th में इन हाइड्रोकार्बन करते थे, या तो निकल कैटालिस्ट। ये सब आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। तो NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, NaBH4, H2O, या तो आप इसका यूज करो। थर्ड है उसमें सीधा हाइड्रोजन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, आइदर यू कैन यूज प्लेटिनम हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम और पैलेडियम और निकल, ठीक है, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है सर, आपको दो हाइड्रोजन सिर्फ ऐड कर देना है, चाहे कितना भी बड़ा कंपाउंड हो, बहुत ही इजी रिएक्शन है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। देखिए, सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ से टूट जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन पे आ जाएगा, मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि एक हाइड्रोजन कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जाएगा और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, और हमको सी डबल बॉन्ड ओ इज कन्वर्टेड टू CHOH। आप इतना पहले नोट करके लिख लीजिए, बाद में मैं आपको समझाता हूँ। अब हम यूज करेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स में फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड, कीटोन में तो ऐसा नहीं होता, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव अच्छा पॉइंट है। एल्डिहाइड्स और कीटोन आपको क्या दे रहे हैं, देखिए, कार्बोनिल कार्बन कन्वर्टेड टू दिस CHOH, मतलब अल्कोहल बन गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड की प्रोडक्ट जो होती है वो प्राइमरी अल्कोहल होता है, चाहे कोई भी एल्डिहाइड लो,
तो इस मेथड से आपको प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कीटोन का अगर आप रिडक्शन करते हो इन्हीं तीन मेथड में से किसी एक मेथड, ठीक है, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा। कोई शक? दो जनरल एग्जाम्पल है, वो आप लिख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, मैं पहला रिएक्शन जो है वो आपको समझा रहा हूँ। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट रिएक्शन। आप एल्डिहाइड को ऐसे लिख लीजिए, ये रिएक्शन जो है मैं समझा रहा, आप उसको ही कॉपी पेस्ट करना, लेकिन मैं आप ऐसे लिखेंगे तो आपको समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये एल्डिहाइड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप मना नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसका क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, इन तीनों में से कोई एक ले लो, एनी वन आउट ऑफ दिस थ्री, एनी वन आउट ऑफ दिस थ्री। ये रिएजेंट आपको याद रखने हैं जो रिडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और आपको दो हाइड्रोजन इसमें ऐड करने हैं, दिस इज द एडिशन रिएक्शन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन एंड व्हाट हैपेंस, आर सी एच ओ एच, और एक हाइड्रोजन तो था उसके पास, वो मैंने डाल दिया, तो आर सी एच टू एच, ये रहा देखिए आर सी एच टू एच, कौन सा ये है, प्राइमरी। आप ऐसे लिख लो, ये पहला रिएक्शन, पहले डिस्क्रिप्शन बाद में करना, ठीक है। फर्स्ट राइट डाउन दिस फर्स्ट रिएक्शन, एल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल्स एंड कीटोन गिव्स। इसके नीचे हम दो रिएक्शन देंगे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। इतना आपने लिख लिया, तो मैं, मेरे पास जगह कम है तो मैं इसको निकाल रहा हूँ, आप पहले ये लिख लीजिए, ये रिएक्शन ऐसे, यहाँ पे इस रिएजेंट को लिखना मत भूलिएगा, वरना सब कुछ गलत हो जाएगा, पी टी पी डी, और उसका, उसके नीचे उसका नाम, ये क्या है, एल्डिहाइड है, और दिस वन इज अ प्राइमरी अल्कोहल, आर सी एच टू ओ एच, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल। चलिए मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ। अब ये जनरल रिएक्शन जब आपने लिख लिया है, तो उसके नीचे एक एग्जांपल दे दो, कोई एल्डिहाइड ले लो, आप बोलो कौन सा एल्डिहाइड लो, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एज यू लाइक, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला पता ही है, चलिए मैं ये रहने देता हूँ, और एक ब्लैंक पेज पे ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा मज़ा आएगा। ओके चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप बोलिए कौन सा एल्डिहाइड लो, जल्दी बोलिए, चलिए एसिटाल्डिहाइड, ओके एसिटाल्डिहाइड ले लेता हूँ, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ एच, आप ऐसे भी लिख सकते हो सी एच थ्री सी एच ओ, लेकिन ये मुझे समझाना है, इस यहाँ पे लिखिए एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एक एग्जांपल, एक जनरल रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएजेंट डाल दीजिए, चलिए मैं एन ए बी एच फोर लिख लेता हूँ, एन ए बी एच फोर, रिएक्शन में फिर एच टू ओ भी चाहिए, वी रिक्वायर, कुछ नहीं करना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन, वन हाइड्रोजन यू हैव टू गिव टू कार्बन एंड अनदर हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो आपके पास आएगा कंपाउंड ये सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, देखिए, और इसका नाम तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हो, इथेनॉल। अब चलिए कीटोन ले लेते हैं, ठीक है, चाहे वो सिमेट्रिक कीटोन, मतलब दोनों साइड अल्काइल ग्रुप सेम है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको काम यही करना है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को ब्रेक करके एक एक हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। तो वहाँ पे तो प्रिंटिंग है ही, तो यहाँ पे फिर मैं कीटोन का जनरल रिएक्शन आपको दे रहा हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, अगर दोनों मिथाइल ग्रुप है, एसीटोन है ये, या तो आर डैश कर दो यहाँ पे,
generally this one is ketone. Write down here any reducing reagent as you like. चलिए मैं H2PD लिख लेता हूँ, या तो LiLH4 आप कर सकते हो, कोई कोई आपके लिए वो नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या करेंगे आप, दो हाइड्रोजन ऐड कर दो, ये जनरल रिएक्शन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दो, R डैश। अब देखिए कीटोन में से हमें क्या मिला, सेकेंडरी अल्कोहल। ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया है ना उसमें भी देख लो आप, वो प्राइमरी अल्कोहल है। ये इथेनॉल कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इजी और इंटरेस्टिंग होता है कि अगर आप प्यार से करोगे तो बहुत कुछ आप इसमें इजीली कर सकते हो, ठीक है। जरूरी है दिल लगा के इसको करना, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, चलिए कौन सा एग्जांपल लूँ, एसीटोन का ले लेता हूँ, ठीक है। एक्स फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, नाम क्या है भाई साहब इसका, एसीटोन, लिख लो, नाम लिखना जरूरी है। कोई भी रिड्यूसिंग, अब मैं नहीं लिखूंगा रिड्यूसिंग एजेंट, आपकी चॉइस पर, मैंने तीन चॉइसेस दी है आप लोगों को, थ्री चॉइसेस आर देयर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सोडियम बोरोहाइड्राइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एंड देन अगर मैकेनिज्म करोगे तो पता चलेगा कि क्यों वाटर चाहिए, हमें मैकेनिज्म नहीं करनी है बिल्कुल। सिर्फ इतना ही आपको समझ में आ जाए तो कोई भी रिएक्शन आपसे हो सकती है। आप इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी एल्डिहाइड और कीटोन हो और मुझे अल्कोहल बनाना है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी बनाना है तो मुझे एल्डिहाइड लेना पड़ेगा कोई भी, सेकेंडरी बनाना है तो मुझे कोई कीटोन लेना पड़ेगा। अब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए बिल्कुल बिना सोचे, CH3 ये मैंने तोड़ दिया और दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दिया। इसका UPSC नाम बोलिए ठीक से, चलिए फटाफट, इसको मैं बोलूँगा propane 2-ol, प्रोपेन ई नहीं रखना है, 2-ol। और देखिए प्यार से दिस वन इज़ द सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी पहले क्वेश्चन का 50% पार्ट खत्म हो रहा है, एंड दिस वन इज अ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मेथड नंबर 1, एंड दैट इज बाय रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या तो कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन ऑन PT और PD और निकल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड। नाउ सी हियर ऑन आवर स्क्रीन इट इज रिटन फर्स्ट मेथड दैट यू राइट, यू हैव टू राइट सेकंड मेथड, ओके। सो अब सेकंड हेडिंग आप लगाइए, पहला तो मैंने आपको समझा दिया, टेक्स्ट बुक में भी है, नाउ डिस्क्रिप्शन यू कैन राइट योर सेल्फ, और इफ यू वॉन्ट टू कॉपी पेस्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक तो यहाँ पे ये फिर से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और लेकिन यहाँ पे इसके सामने जो आप जनरल रिएक्शन लिखते हो इसके सामने आपको एक एक एग्जांपल देना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दे दो और यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे दो, और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट मैंने पहले बोले थे वो आप याद रखना कि प्राइमरी अल्कोहल अगर बनाना हो तो कैसे बन सकता है, सेकेंडरी कैसे बन सकता है। अब मैं मेथड नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे लिखी है उसको मैं सेकंड बोल के चलता हूँ, एंड दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत बढ़िया मेथड, बहुत बढ़िया मेथड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्म है RMGX, R इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड हियर, यू नो वेरी वेरी वेल, R is either alkyl group or alkene group
और अल्किनाइल ग्रुप, सॉरी अल्काइनाइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। आर एम जी एक्स में आर हमारा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है अप टू अल्काइल ग्रुप, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन एम जी एक्स होना जरूरी है। एक्स में भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बट नॉट फ्लोरीन। सो बाई दिस मेथड माई फ्रेंड्स वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। इसमें भी एक बहुत बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है इसमें। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों अल्कोहल, जो पहली मेथड थी, बाई फर्स्ट मेथड वी कैन प्रिपेयर ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो अगर आप मिथेनॉल मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड लेते हो, ध्यान से करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अगर फॉर्मल्डिहाइड लेते हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेगा। मैकेनिज्म के साथ मैं समझाऊंगा ये, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू टेक अदर एल्डिहाइड, अगर आप दूसरा कोई एल्डिहाइड कंसीडर करते हो एक्सेप्ट मिथेनॉल, मिथेनॉल बोले तो उसका कॉमन नाम है फॉर्मल्डिहाइड। वाह क्या बात है, सबको पता है। एक्सेप्ट मिथेनॉल अगर दूसरा कोई आप एल्डिहाइड लेते हो तो वो सेकेंडरी अल्कोहल ही आपको देगा। और यहाँ पे वहाँ पे कीटोन सेकेंडरी देता था, यहाँ पे एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। एंड माय डियर फ्रेंड्स, कीटोन्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस टर्शरी अल्कोहल, बहुत हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव पॉइंट भी है ये, ठीक है। उसमें जो है कोई भी एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देता था कैटालिटिक रिडक्शन में, कोई भी कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देता था, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ऐसा है जो प्राइमरी देगा, वो है मिथेनॉल, कॉमन नाम है उसका फॉर्मल्डिहाइड। बार बार बोल रहा हूँ आपको, आपको ये फर्म करने के लिए कि आप भूल ना जाए, ठीक है, बहुत ही। अब चलिए पहले ये पूरा रिएक्शन कीटोनिक कार्बन मतलब कि कार्बोनिल कार्बन पे हो रहा है, तो इसकी मैकेनिज्म हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करता हूँ इसकी, तो जरा ध्यान दीजिएगा। चलो, किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन का, मानो कि ये मेरे पास कार्बोनिल कार्बन है, कोई शक, ये कार्बोनिल कार्बन, इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन है भाई साहब, आर एम जी एक्स, आर एम जी एक्स, और ये आर एम जी एक्स आर के बीच में जो बॉन्ड है, आर और एम जी के बीच में, ये हाईली पोलार बॉन्ड है। एम जी और एक्स के बीच में जो बॉन्ड है वो आयोनिक बॉन्ड है, लेकिन ये जो पहला रिएक्शन है ये हाईली पोलार बॉन्ड तोड़ना है हमें, चलिए तोड़ देते हैं, ये यहां से टूट जाता है। व्हाट हैपेंस, आर माइनस बनता है, एम जी एक्स प्लस बनता है, ठीक है, आर माइनस एम जी एक्स प्लस। नाउ माई डियर फ्रेंड्स, ब्रेक डाउन दिस पाई बॉन्ड ऑल्सो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाई बॉन्ड ऑल्सो, वो मैकेनिज्म प्रिंट भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं आपको जरा समझा देता हूँ इजी लैंग्वेज में, ठीक है, इसको भी तोड़ दो। चलो तोड़ दिया, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
तो ये पहला स्टेप हो रहा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट हैपेंस हियर, सी। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस कार्बन के ऊपर आर लगेगा, लग गया आर। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऐसे होगा ओ एम जी एक्स। ठीक है, आपको पता ही है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोजन से, सॉरी एसिडिक वाटर से हाइड्रोलिसिस करना है, नेक्स्ट स्टेप है ये। ये जो आपकी प्रोडक्ट आती है, ये जो मैं यहाँ बॉक्स में रख रहा हूँ, वो ये इसको बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, और एडक्ट बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये बॉक्स में रखी, ब्लू कलर के बॉक्स में हो। अब मुझे करना है इसका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस थोड़े एसिड के ड्रॉप डाल दो, तो इसके अंदर एच ओ एच होंगे, और इसको यहाँ से ब्रेक कर दो। ये हो गया ब्रेक, तो हमको क्या मिलेगा, ऐसा बहुत बढ़िया कंपाउंड मिलेगा। देखिए अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वैलेंसी जो भी है उसको रखो, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा वाटर में से ओ एच, और यहाँ पे आर लग जाएगा। ठीक है, आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगी, वो है माइनस एम जी ओ एच, और एक्स आपका जो भी हो, क्लोरीन ब्रोमीन या तो आयोडीन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, एम जी टू प्लस ओ एच माइनस एक्स माइनस। समझ में आ गई आपको पूरी मैकेनिज्म। ठीक है, ये इसका पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, एंड हाइड्रोलिसिस इज द सेकेंड स्टेप आफ्टर एडिशन प्रोडक्ट। दो ही स्टेप में मैकेनिज्म जाएगी। अब मैं जो बात आपको समझाने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, दो वैलेंसी बाकी रहती है ना, ये यहाँ पे, यस यहाँ पे भी एक वैलेंसी, ये दोनों वैलेंसी, रिमेनिंग वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन, देन इट इज अ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप देखिए, आप जरा सोचिएगा, ये जो मैं राउंड लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों वैलेंसी अगर हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है, तो आपको मिलेगा आर सी एच टू एच प्राइमरी अल्कोहल। इसमें से एक वैलेंसी आर से सेटिस्फाइड होती है, एक वैलेंसी एच से सेटिस्फाइड होती है, तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगर दोनों वैलेंसी आर से सेटिस्फाइड होती है, माय फ्रेंड्स, दोनों वैलेंसी आर से सेटिस्फाइड होती है, तो आपको मिलेगा ये आर जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, एक तो जो आप सबस्ट्रेट लेंगे उसके पास होगा, कोई आर जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। आपको धीरे धीरे पूरा ये प्रोसेस करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको, आप इसको लिख लीजिए, ये प्रिंटेड भी हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार, ये मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखिए, पहले ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैकेनिज्म, देखिए ध्यान से, वही फिर से है, तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। देखिए, ये कार्बोनिल कार्बन है, दिस वन इज कार्बोनिल कार्बन। व्हेन कार्बोनिल कार्बन रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आर इज डेल्टा माइनस, ये पूरा बॉन्ड जो है माय डियर फ्रेंड्स टूट जाएगा। ठीक से देखिए, ये पूरा बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा यहाँ से, ये पूरा। ठीक है, तो होगा आर माइनस एम जी एक्स प्लस। तो देखिए, ये वही प्रोडक्ट हमें मिल रही है, एडिशन प्रोडक्ट, कोई शक आपको, ये रही आपकी पूरी, ये ब्रैकेट में एडिशन प्रोडक्ट, एक बार मैंने समझा दिया है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोलिसिस में इन लोगों ने क्या है कि एसिडिक वाटर की बात नहीं की है, लेकिन हाइड्रोलिसिस तभी होगा, थोड़ा आप अंदर HCl या सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप डाल दो, तो वाटर जो है थोड़ा जल्दी से करेगा। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रही है, ये आपकी है फाइनल प्रोडक्ट। कार्बन की दो वैलेंसी अगर दो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी, तो प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर
दोनों वैलेंसी एक आर या तो एक, तो आपको ये होगा कि ये तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, हो गया ना आपका काम। और बाई प्रोडक्ट जो है वो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, ये जो है आपके सामने वो हमें मिलेगी, ये रही। ठीक है, तो ये मैंने मैकेनिज्म आपको पहले बताई। चलिए अब रिएक्शन करते हैं। देखिए उसी हिसाब से रिएक्शन जाएंगे, ये सब जनरल रिएक्शन है। देखिए आप फर्स्ट रिएक्शन, पहले भी मैंने आपको बोला था वो, फिर से थोड़ा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, मिथेनॉल जो है वो प्राइमरी अल्कोहल देगा। मिथेनॉल के अलावा जो एल्डिहाइड है हमारे पास, इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अल्कोहल, और जो कीटोन है हमें टर्शरी अल्कोहल देगा। ये रिएक्शन देखिए, तो एक बार मैं इसको समझा के आपको कैसे हो रहा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए मैं जनरल रिएक्शन बारी बारी यहाँ पे करूँगा, आप ज़रा समझते जाइएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं ले लेता हूँ, कौन सी चीज़ ली है पहले, मिथेनॉल के साथ RMGX, तो मैं मिथेनॉल को ऐसे लिखूँगा। ठीक है, ये देखिए HC OH, ठीक है, और मैं लूँगा वो जनरल रिएक्शन ही लिख रहा हूँ, RMGX। फर्स्ट स्टेप, R जो है वो कार्बन के ऊपर लगेगा, तो आप ऐसा कर दीजिए कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे रहने दीजिए, R कार्बन के ऊपर लगा दीजिए, ऑक्सीजन के साथ MGX जाएगा। ठीक है, ऐसे कर दीजिए, ये R जो है वो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये आपकी प्रोडक्ट रहेगी एडिक्ट प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, एडक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, हो गया। अब कुछ नहीं करना है, हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O एसिडिक वाटर H+, तो क्या होगा, माइनस MgOHX, ये बाई प्रोडक्ट रहेगी, MgOHX ये बाई प्रोडक्ट रहेगी, और RCH इस साइड है ना H, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये होगा C, यहाँ पे है R, ये H, और यहाँ पे OH, MgX निकल जाएगा, ये OH आ जाए, RCH, और एक दूसरा हाइड्रोजन हम यहाँ लिखना भूल गए थे, ये है इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और एक R, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा, इतने ये हो जाएगा RCH2OH। ठीक है, RCH2OH ये प्राइमरी है, तो मिथेनॉल जो है, ये मिथेनॉल है, मिथेनॉल हमको देगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, बिल्कुल देख लीजिए, ये रहा आपके सामने ये रिएक्शन। ठीक है, समझ के करिएगा, ये मिथेनॉल गिव्स अस, यहाँ क्या है कि बॉन्ड को नहीं दिखाया है, सीधा कंडेंस स्ट्रक्चर दिया है, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई इसको कैसे समझना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। चलिए मैं एल्डिहाइड दूसरा ले लेता हूँ, आपको आपको समझ में आ जाए ना, बस यही बहुत है, बाद में तो आप बुक से भी लिख सकते हो। चलिए मैं एक एल्डिहाइड और ले लेता हूँ, जनरल फॉर्म में ही लिख लेता हूँ। ठीक है, जनरल फॉर्म में ही एल्डिहाइड हम लिख लेते हैं, RC OH, जनरल रिएक्शन है। चलिए इसका हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, RMGX, बॉन्ड को तोड़ दो, MGX प्लस R- आर डैश माइनस जो है, यहाँ से पाई बॉन्ड को तोड़ दो, तो क्या होगी, पहली प्रोडक्ट, R तो कार्बन के पास है ही,
आर डैश जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आएगा, और एक वैलेंसी है कार्बन के पास वो है हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में यहाँ यहाँ वर्टिकल है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल ले रहा हूँ OMgX। कार्बन के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर डैश जाएगा और ओ के साथ MgX जाएगा, सब में यही होगा। जिसको समझ में आ जाता है ना उसको बाद में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। अब हाइड्रोलिसिस करो, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट रहेगी -MgOHX। हेलोजन जो भी हो वो ध्यान में रखना है, अगर क्लोरीन, इफ क्लोरीन इज देयर देन राइट डाउन क्लोरीन देयर, इफ ब्रोमीन इज देयर देन राइट डाउन ब्रोमीन देयर। नाउ सी अवर प्रोडक्ट इज RCHR-OH। देखिए ये एल्डिहाइड अदर देन, ये जो है एल्डिहाइड अदर देन मिथेनॉल मीन्स फॉर्मल्डिहाइड, तो हमको कौन सा अल्कोहल मिला यहाँ पे, सेकेंडरी, वो पहले मिला था प्राइमरी। ऐसे अगर आप लिखेंगे बुक में तो आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। वो जो यहाँ पे प्रिंटेड है दैट आर द रिएक्शन कंडेंस रिएक्शन, उसमें बॉन्डिंग बॉन्डिंग ब्रेकिंग ऐसा नहीं दिखाया है, तो समझने में दिक्कत आ सकती है कि कैसे हुआ। तो ये दूसरा जो मैंने अदर एल्डिहाइड, अब ये आर की जगह पे इसके नीचे ही लिख लेना, आर की जगह पे अगर मैं CH3 ले लेता हूँ और ये आर डेस की जगह पे भी मैं CH3 ले लेता हूँ, तो यहाँ इस आर की जगह पे और इस आर दोनों की जगह पे आप CH3 रख दो तो आपको मिलेगी प्रोडक्ट Propan2ol, ठीक है। यहाँ पे भी CH3 रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हो, लेकिन समझने के लिए अब CH3 CH3 रख दो, एक एग्जाम्पल दो, ठीक है। मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिखो ऐसे ही रिएक्शन करके, आपको मिलेगी प्रोडक्ट, मैं बोल रहा हूँ Propan2ol, ओके। प्रैक्टिस कर लो, ए आर की जगह पे CH3 ले लो, मतलब कि ये हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड और ये होगा मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर डेस की जगह पे CH3 ले लो, और ये जो हमारा रिएजेंट सॉरी सबस्ट्रेट है उस वहाँ पे भी आर की जगह पे CH3 ले दो, ले लो, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, CH3 CHOH CH3 हो गया ना Propan2ol। तो मैंने बोला क्या बोला था कि अदर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड विल गिव द सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए और एक रिएक्शन बचता है, वो भी मैं अभी कर देता हूँ, ये आप लिख लीजिए और मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दूसरा रिएक्शन कंडेंस फॉर्म में आप देख लीजिए, यहाँ पे ये रहा आपके सामने सेकंड रिएक्शन इन कंडेंस फॉर्म, दिस वन, विच वन, दिस वन, ये अदर एल्डिहाइड और मुझे एक क्वेश्चन आपको पूछना था यहाँ पे। अगर मैं इस आर की जगह पे, ये आर एम जी एक्स है ना, इस आर की जगह पे CH3 ले लेता, CH3 MgX, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलती, आंसर दे दो। अब जरा प्रैक्टिस करना, CH3 CH2 OH मुझे इथेनॉल मिलता यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल, और यहाँ पे ये सेकेंडरी अल्कोहल। अब कीटोन को समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये रिएक्शन तो यहाँ पे है ही आपकी स्क्रीन के साम ऊपर, देखिए ये तीसरा कीटोन का जनरल फॉर्मूला लिया है ये, और आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल, ये पूरा रिएक्शन नीचे है, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल। अब इसको डिस्क्राइब आपके आपके हिसाब से कीजिएगा, यहाँ ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ ही है सब, मैंने दो बार बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, वही सीक्वेंस में मैं ये तीसरा रिएक्शन लिख रहा हूँ। चलिए जनरल फॉर्म ले लीजिए कीटोन का, ऐसे लिख लो जनरल कीटोन, ऐसे RC(OR)। दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपको सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे रिएक्शन करना है। अब इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता हूँ RMgX। चलो मैं बॉन्ड को तोड़ देता हूँ यहाँ से, पहले स्टेप में तोड़ दो, ये होगा माइनस, ये MgX होगा प्लस, ये पाई बॉन्ड तोड़ दो तो कार्बन होगा प्लस
और ये ऑक्सीजन होगा माइनस। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है लेकिन इसकी कोई यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए याद नहीं करते हम इसको। चलिए एडक प्रोडक्ट क्या मिलेगी, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ वर्टिकल है, मैं हॉरिजॉन्टल लेके जाऊँगा, दो आर तो है ही कार्बन के पास, खुद के दो है तो सही। यस, तो ये कार्बन एक आर डैश में यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट का लगा देता हूँ, एक आर तो उसके पास था ही, दूसरा आर भी उसके पास था, अब ये ऑक्सीजन के साथ लगेगा OMgX। दूसरा स्टेप आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको, हाइड्रोलिसिस। यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगी MgOHX, Mg2+ OH- X-, X में भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एंड यू कैन गेट द फाइनल प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड्स, RCR-ROH। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लो, जहाँ पे भी आर आर डैश है वहाँ पे मिथाइल ग्रुप ले लो चलो, और मुझे बताओ कि ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये जनरल रिएक्शन है, ये जो मैं रिएक्शन मैंने दिया ना वो तो आर आर डैश करके दिया, जहाँ पे भी आप आर आर डैश मतलब कि यहाँ जो सबस्ट्रेट है वहाँ CH3 CH3 लगाओगे तो वो एसीटोन हो जाएगा, यहाँ आर डैश पे CH3 लगाओगे तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है वो मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड हो जाएगा, यहाँ तीनों वैलेंसी आर आर डैश की जगह पे CH3 CH3 आ जाएगा, यहाँ पे ये तीनों जगह पे CH3 आ जाएगा, और इसका ये टर्शरी अल्कोहल है, इसका नाम नहीं दे सकते क्योंकि ये जनरल रिएक्शन है, तो अब ये मिथाइल ग्रुप लगेगा तो नाम क्या होगा उसका, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। ठीक है, बनाइए रिएक्शन एग्जाम्पल दीजिए, चलिए ऊपर देखिए, ये तीसरा रिएक्शन जो है वो, इसके बाद मैकेनिज्म मैंने पहले समझा दी है, तो नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब भी आपको रात को 12 बजे अगर जगा के कोई पूछे कि चलो मुझे बना के दिखाओ, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही स्लोली मैंने समझाया, कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, धीरे से करिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, उसमें और दो बाकी रहते हैं वो है एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ओके, थैंक यू प्रिंस, थैंक यू वेरी मच।